हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 पॉडकास्ट। दिस इज योर मेंटर, योर फ्रेंड सौरभ सिंह। आज के इस पॉडकास्ट का विषय है जो स्टूडेंट के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, रिजल्ट डे। वो स्टूडेंट अगर बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हुआ करता है 1 अप्रैल, और फिलहाल हम जिस तारीख पर हैं 27 मार्च, जो अपने रिजल्ट डे से महज 4 से 5 दिन पीछे है। मुझे पता है इस वक्त में आपके अंदर क्या चल रहा होगा, और उसके कुछ प्रारूप मेरे पास पहुंच भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज इस तरीके से आ रहे हैं कि सर, ये जो ड्यूरेशन है अभी से 4-5 दिनों का जो वक्त बचा है सर रिजल्ट डे में, ये ड्यूरेशन जो है ये एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से भी बहुत लंबा ड्यूरेशन फील हो रहा है। ये जो हार्ट बीट है, ये ऐसे जैसे ही जिक्र होता है रिजल्ट का घर में दोस्तों के बीच कि रिजल्ट आने वाला है, और जैसे ही इसका जिक्र होता है लगता है कि पता नहीं हार्ट बीट का जो स्पीड है वो अपने आप अप डाउन बहुत ज़्यादा होने लगता है। बहुत लगता है कि यार जल्दी से ये दिन आ जाए, और मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन एक स्टूडेंट के लिए जिसने मेहनत किया है बहुत बहुत मतलब 100% क्लियर है कि ये एक्सपेक्टेशन रखना जायज है। जिसने मेहनत किया है, जिसने वक्त दिया है अपने लाइफ का, अपने लाइफ को, अपने जीवन को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए, अगर एक बच्चे ने 1 साल 2 साल 1.5 साल अलग अलग ड्यूरेशन खर्च करके अगर इस जगह पे पहुंचे हैं और इसके बाद एक एक्सपेक्टेशन ना रखा जाए, तो मुझे लगता है कि फिर उस मेहनत का क्या। तो इस बात से मैं कहीं से भी असहमति जाहिर नहीं कर सकता कि एक स्टूडेंट जो मेहनत किया है उसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, और बिल्कुल रखिए, और बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है इस एक्सपेक्टेशन को रखने में। लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशन आपका है, तो कई बार स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर मुझे लग रहा है ना कि मैं अगर फेल हो जाऊंगा तो पता नहीं मेरे फैमिली वाले क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। कई बार एक्सपेक्टेशन आपका ना हो कि किसी और के एक्सपेक्टेशन के वजह से अगर आपके जहन में वो तनाव है ना, वो चिंता है, तो मुझे लगता है कि हम अपने स्टूडेंट को यही सुझाव देंगे कि इस चीज को अपने दिल से, अपने दिमाग से दरकिनार कर दीजिए। इस ड्यूरेशन में मेरे पास ऐसे मैसेजेस भी आए, कुछ बच्चों ने ऐसे मैसेज किया कि सर मेरे मेंस की परीक्षा में इतने स्कोर आए हैं, चूंकि रिजल्ट मेंस का जो स्कोर है वो आउट कर दिया गया है, आपने इंटरव्यू दे रखा है। इस ड्यूरेशन में ऐसा भी हुआ कि सर मेरे मेंस के स्कोर ऐसे आ रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ऐसा गया है, तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं मेरा रिजल्ट हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में एक टीचर होने के नाते जो आपके साथ लगातार उस पूरे इस ड्यूरेशन में प्रिपरेशन जर्नी में रहा है, उसकी भी फीलिंग्स आपके फीलिंग से कहीं ना कहीं मैच करने लगती है कि हाँ यार सोचा तो जाए क्या होगा बच्चे के स्कोर को देख के। लेकिन फिर भी ना मुझे लगता है कि ये करना उचित नहीं है इस पड़ाव पर, जिस पड़ाव पर आप पहुँच चुके हैं, क्योंकि आप जहाँ पर हैं उस जगह से वो जो आपकी मंजिल है ना उसके बीच में एक सिर्फ धुंधला सा कुछ कोहरा है। वो 2-4 दिन का वक्त है, जैसे ही छटेगा ना तो आपको ये एहसास होगा, ऐसा भी एहसास हो जाएगा कि आप शायद उस पार पहुंच चुके हैं। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना है, सकारात्मक सोच के साथ उस इंतजार को रखना है। और दो चीज बोलूंगा मैं लास्ट में, दो बातें बोलूंगा आपको। इस लाइन को हमेशा जीवन में याद रखिएगा, आप कहीं पहुंचने वाले हैं, इसका मतलब है कि आपके किसी काम का अंत होने वाला है। मतलब ये कि अंत ही प्रारंभ है। अगर आप सकारात्मक तौर पे अपने रिजल्ट को देखते हैं तो भी वो आपका अंत है जो है वही प्रारंभ है वहां से। और अगर आप किसी तरीके से ऐसा होता है कि आप एक सकारात्मक रिजल्ट नहीं देख पाए, तो मुझे लगता है फिर भी अंत ही प्रारंभ है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग अस, थैंक यू।